जय मित्रों, आप देख रहे हैं जीएस फोरम और इस सेशन में मैं आपके साथ हूं वीके मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो तटीय मैदान है उस पर कितने राज्य स्थित होते हैं और उस राज्य में जो अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जरूरी है कि हम ये जान लें कि आखिर जो तटीय मैदान ये स्थित हैं ये वास्तव में कहाँ पर स्थित हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। तो थोड़ा सा पहले आप ये क्लियर कर लें कि कहाँ पर ये स्थित है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर छोटा सा एक मैप बनाकर देखें, तो अगर ये हम लोग भारत का एक मैप बनाएं तो इस भारत के मैप में दोनों किनारों पर आप जानते हैं कि यहाँ पर स्थित है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर स्थित है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट और इस वाले को कहते हैं पूर्वी घाट। मतलब कि जो भारत के पूर्वी किनारे पर स्थित हो उसको हम कहेंगे पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और जो भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित हो उसे कह देंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। अब दूसरी चीज कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अब हमको ये देखना है कि जो तटीय मैदान की बात हम लोग करने चल रहे हैं वास्तव में ये कहां पर स्थित है। तो आपने देखा होगा कि यहां पर स्थित है बंगाल की खाड़ी और इसके बाद भारत का जो पश्चिमी किनारा है यहाँ पर स्थित है अरब सागर। तो या यूँ कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का जो क्षेत्र होगा वहीं पर स्थित होता है यह मैदानी भाग जो हम ग्रीन कलर से आपको बना रहे हैं। यही क्षेत्र क्या हो जाएगा, भारत का तटीय मैदान कह देंगे। दूसरी चीज ये तो हो गया कि इसका पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में कहां पर विस्तार होता है और किस तरह से इसे पाया जाता है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि आखिर इसके उत्तर में क्या स्थित है। तो उत्तर में आप जानते हैं कि यहां पर क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहां पर स्थित है। और दूसरी चीज कि अगर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाएं, यानी कि ये वाला क्षेत्र देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत तथा इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद में जो भी मैदान स्थित होता है हिमालयी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसादों का जमाव होता है उससे जो मैदान बनता है उसको आपने पढ़ लिया है कि यहाँ पर क्या स्थित हो जाएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद आप जानते हैं कि ये त्रिभुजाकार अवस्था में फैला हुआ एक पठार है जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण का पठार। ये हो गया आपका दक्षिण का पठार। तो ओवरऑल हम लोग अगर तटीय मैदान के एक डिफिनीशन और एक इसकी लोकेशन की बात करें तो क्या बताएंगे, भारत के दोनों तटों पर स्थित अरब सागर, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के मध्य तथा बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के मध्य आसपास के क्षेत्रों से लाई गई नदियों के अवसादों के जमाव तथा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के निमज्जन से, मतलब कि जहां पर ये पहले बह रहा था वहां से थोड़ा सा दूर हट जाए और यहां पर अवसादों का जमाव हो जाए, तब ऐसे बनने वाले मैदान को हम क्या कह देंगे, भारत का तटीय मैदान।
अब दूसरा सवाल ये होता है कि जो ये तटीय मैदान स्थित है वास्तव में इसमें कुल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, कुल कितने राज्य यहाँ पर स्थित हैं। अगर आपको ध्यान हो तो सवाल तो बड़ा ही आसान है, लेकिन समीक्षा अधिकारी 2018 में जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको एक सवाल इस बिंदु से भी मिल जाएगा। सवाल पूछा गया था कि भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो कुल कितने तटीय राज्य हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, कुल 9 राज्य हैं। लेकिन कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि ये 9 राज्य हैं तो इनमें सबसे लंबी सीमा किसकी है और सबसे छोटी सीमा किसकी है। तो अगर हम लोग सबसे लंबी सीमा की बात करें, यहाँ पर अगर चाहे तो हम लोग एक इसका कोड नंबर बना सकते हैं और वो कोड नंबर आपका बन जाएगा गु आ त म के उ कर बं गो। इसमें आपको अब ध्यान देना है कि हम केवल राज्यों की बात कर रहे हैं। अब गु से क्या हो जाएगा, गुजरात, आ से आंध्र प्रदेश, त से तमिलनाडु, म से महाराष्ट्र, के से केरल, ऊ से ओडिशा, उड़ीसा कहेंगे लेकिन नया नाम ओडिशा हो गया है, कर से कर्नाटक, बंग से पश्चिम बंगाल, और फिर सबसे कम सीमा जो बनती है वो होती है गोवा की। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि अगर हम लोग इसमें द्वीपों को भी मिला लें तो कौन सा द्वीप होगा जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि गुजरात से भी लंबी सीमा बनाता है, करीब 1962 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो टोटल नंबर अगर पूछा जाए तो आंसर आपका 9 होगा। सबसे लंबी सीमा, ये आप जो कोड नंबर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा घटते हुए क्रम में है, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी सीमा है, गुजरात की, और सबसे कम किसकी होगी, गोवा की। ये घटता क्रम है, आपको याद रखना है, गुआतम केउ करबंगो से। अब जो तीसरा पॉइंट पर सवाल बनता है ये पूछा जाता है कि किस किस क्षेत्र में हम इसको किन किन नामों से जानते हैं। जैसे कि जो गुजरात का पूरा तटीय क्षेत्र है, गुजरात के पूरे तटीय क्षेत्र को हम जिस नाम से जानते हैं वो कहा जाता है काठियावाड़ का तटीय मैदान, या इसी को आप कह सकते हैं गुजरात का तटीय मैदान या काठियावाड़ का तटीय मैदान, जो कि गुजरात का पूरा तटीय क्षेत्र होता है और विस्तार कहाँ तक होता है, दमन तक। दूसरा जो मैदान बनेगा वो दमन से लेकर कहाँ तक बनेगा, गोवा के चौरी बीच तक बनता है। तो दमन से गोवा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोंकण का तटीय मैदान। अब गोवा के चौरी बीच से लेकर जो मंगलौर है इसके बीच का जो तटीय मैदान होता है उसको हम कहते हैं कन्नड़ या कनारा का तटीय मैदान। अब कन्नड़ या कनारा के तटीय मैदान के बाद में आएंगे तो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका मालाबार का तटीय मैदान। तो मालाबार का तटीय मैदान आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मालाबार तटीय मैदान से नंबर आप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि अगर एक सवाल पूछा जाता है, आपने सुना होगा मोनाजाइट का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस तटीय मैदान से होता है, तो उसका भी आंसर क्या होता है, मालाबार होता है। दूसरा चीज,
कि इस मालाबार तटीय मैदान में निवास करने वाली जनजाति कौन सी होती है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिएगा केवल दो जनजातियाँ होती हैं, एक होती है इरूला और दूसरा होता है मोपला। मोपला और इरूला जनजाति भारत के मालाबार तटीय क्षेत्र में स्थित होती हैं और ये मालाबार तटीय क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा केरल के क्षेत्रों में स्थित होता है। अब दूसरा सवाल कि इरूला और मोपला जनजाति जो हैं ये केरल के तटीय क्षेत्रों में या मालाबार के तटीय क्षेत्रों में क्या करती हैं, धान की खेती बहुत ज़्यादा करती हैं। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो झील हमने लिखा है, एक झील का नाम है वेम्बनाद और दूसरी झील का नाम है अष्टमुडी। तो वेम्बनाद और अष्टमुडी झील को अगर हम लोग देखें तो वेम्बनाद और अष्टमुडी झील आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जो वेम्बनाद झील है यहीं पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा नेशनल हाईवे स्थित है और उसका नाम क्या है, NH-47A। अब ये NH-47A क्या वास्तव में यहीं पर स्थित है झील में, तो बिल्कुल इसी झील में ही एक द्वीप पाया जाता है, उसका नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप है और इसी वेलिंगटन द्वीप पर NH-47A है जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, लगभग 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा सवाल यहाँ पर है कि अष्टमुडी झील कहाँ पाई जाती है, तो अष्टमुडी झील आप देख रहे हैं कहाँ पर है, मालाबार के तटीय मैदान में और केरल का ही ये क्षेत्र है। दूसरा एक सवाल और आप यहाँ से बना सकते हैं, जैसे सवाल ये पूछा जाता, आप अगर गौर से देखें तो अष्टमुडी और वेम्बनाद केरल के एकदम तट पर स्थित है और केरल के तट पर स्थित है इसको हम कहते हैं यहाँ पर कयाल, जो कि केरल में स्थित झीलें हैं उसको हम एक नाम से जानते हैं, विशेष नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। तो कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कयाल क्या है, तो वो कयाल क्या बताएंगे कि केरल या मालाबार के तटीय क्षेत्रों में स्थित तटीय झीलें हैं। इसके बाद और आगे हम लोग अगर बढ़ें तो वेम्बनाद और अष्टमुडी के बाद तब आपको मिल जाएगा यहाँ पर कन्याकुमारी। अब यहाँ पर ये आपका समाप्त हो गया जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मैदान थे। अब हम लोगों को बात करनी है कौन से मैदान की, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसके जैसा पूर्वी तट वाले पर बहुत जद्दोजहद नहीं करनी है, सिर्फ आपको दो ही मैदान का नाम ध्यान रखना है। विशेष रूप से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नदी प्रवाहित हो रही है, कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी पर ही जहाँ पर ये अपना माउथ बनाती है बंगाल की खाड़ी में, उसको हम एक अंतरीप के नाम से जानते हैं, वहाँ पर बनता है और उसका नाम होता है फॉल्स डेवी अंतरीप। तो कृष्णा नदी जहाँ पर मुहाना बनाई है उसका नाम क्या है, फॉल्स डेवी अंतरीप के निकट कृष्णा का मुहाना बनता है। इसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर ओडिशा का मैदान और यहाँ पर पश्चिम बंगाल का मैदान होता है और फिर रेड कलर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी लिखा है। तो अगर हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के विस्तार की बात करें तो कहाँ से है, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में इसका क्षेत्र है और कन्याकुमारी से फॉल्स डेवी अंतरीप तक या कृष्णा नदी के मुहाने तक इस तटीय मैदान को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल का तटीय मैदान, या यूं कह सकते हैं कि तमिलनाडु का तटीय मैदान क्या कहलाता है, कोरोमंडल का तटीय मैदान। इसके बाद कृष्णा नदी के मुहाने से बढ़ेंगे कहां तक जाएंगे, स्वर्णरेखा नदी तक, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार का मैदान। उत्तरी सरकार कहां पर है, तो उड़ीसा और बंगाल के सम्मिलित रूप से तटीय मैदान को क्या कह देंगे, उत्तरी सरकार। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोकल तरीके से अगर डिवाइड करेंगे तो उत्कल का मैदान और बंग का मैदान, जहाँ तक उड़ीसा का क्षेत्र है उसको कह देंगे उत्कल का मैदान और जहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर कह देंगे बंग का मैदान। इसी
वेम्बनाद और अष्टमुडी की तरह यहाँ पर भी आपको दो झीलें दिख रही हैं, एक है चिल्का और दूसरा है पुलिकट। तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होगी, ओडिशा के क्षेत्रों में होती है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो चूंकि यहाँ पर बंग लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उड़ीसा में ही मिलेगा। दूसरा कौन सा है, पुलिकट झील है जो कि उड़ीसा और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी है, पुलिकट झील है। यहीं पर श्री हरिकोटा द्वीप है और यहीं निकट में ही आपके क्या स्थित है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो पूरा का पूरा ये भारत के जो तटीय मैदान है, यहाँ से आने वाला सवाल आपका लगभग अब क्लियर हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी में, आईएएस पीसीएस में, एनडीए सीडीएस में, एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे सवालों का अब यहाँ पर आपको कलेक्शन करना है कि तटीय मैदान पर कैसे सवाल पूछे गए, कौन से सवाल पूछे गए, और फिर इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा में देख लेना है कैसे सवाल बन सकते हैं। बस यहीं तक आपको इस टॉपिक में, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी पढ़ने के लिए आप बहुत पढ़ते रहें, लेकिन फ़ायदा इतने से ही होने वाला है। तो आज की बातें बस यहीं तक, कल हम आपसे मिलेंगे और आपसे हम बात करेंगे कि भारत के जो द्वीप समूह हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में, कल का टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर उसको देखिएगा, ज़रूर उसको पढ़िएगा। बस आज यहीं तक, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।